जय श्री राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हमारा क्या टॉपिक चल रहा था, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हम करा चुके हैं, बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज पहले वो वीडियो जरूर देख लेना। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, काइंड ऑफ और शॉर्ट ऑफ का यूज कहाँ करते हैं और किस तरह से हम इनका यूज करते हैं। पहले मैं इनका मीनिंग बता देती हूँ। इनका जो मीनिंग होता है, तरह करके या इस तरह के, इस तरह से हम इनका यूज करते हैं। और सेंटेंस में हम इनको कैसे यूज करेंगे उसके लिए वीडियो से बने रहेंगे। सारे सेंटेंसेस हम बिल्कुल इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे पहले, और फिर हम देखेंगे कहां कैसे इनका यूज किया हुआ है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। इस तरह का पेन महंगा होता है, होता है ना, इस तरह के कपड़े तो बहुत महंगे होते हैं, इस तरह के लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हम इस तरह की बातें बहुत ज्यादा करते हैं ना। जब हम इस तरह की बातें बहुत करते हैं, इस तरह का हम सेंटेंस में इतना यूज करते हैं, हम स्पीकिंग में भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो हमें पहले इसका यूज होना चाहिए, क्या होते हैं, ग्रामर में इनका क्या यूज होता है, सबसे पहले देख लेते हैं। इस तरह मैं पॉइंट आउट करके ही बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमें अभी डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्ट सॉरी प्रोनाउन पढ़ा है, तो उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो काइंड ऑफ और शॉर्ट ऑफ एक तरह से पॉइंट आउट करने का ही काम करते हैं। देखते हैं कैसे। इस तरह का पेन महंगा होता है, तो इस तरह मैंने आपको दिस दैट दीज दूस ये मैं करा चुकी हूँ पॉइंट आउट करने के लिए, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको करा चुकी हूँ दिस दैट दीज दूस। तो यहाँ पे इस तरह का पेन, अब यहाँ पे एक पेन की बात हो रही है, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, दिस का यूज करेंगे। अगर मैं बोलती उस तरह का पेन, थोड़ा दूरी की बात आ जाती, दूरी में यहाँ पे हम दैट का यूज कर लेते, बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे। तो दूरी के लिए यहाँ पे हम दैट का यूज कर लेते, ठीक है। अब दिस, अब यहां पे बोल रहे हैं तरह का, तो तरह के लिए आप क्या लगा सकते हो, काइंड भी लगा सकते हो, शॉर्ट भी लगा सकते हो, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ किसकी बात हो रही है, पेन, दिस काइंड ऑफ पेन। अब यहां पे पूरा हमारा सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हमारी क्या आती है वह दिस काइंड। अब पेन एक ही है ना, तो हम इज लगाएंगे, दिस काइंड ऑफ पेन इज कॉस्टली, ठीक है। दिस काइंड ऑफ पेन इज कॉस्टली, इस तरह का जो पेन होता है वो महंगा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इस प्रकार की पुस्तकें महंगी होती हैं। पुस्तकें, यहाँ पे पुस्तक एक नहीं है, एक से ज्यादा है। तो यहाँ पे इस तरह, इस प्रकार की या इस तरह की जो पुस्तकें होते हैं, तो यहाँ पे इस तरह की के लिए दीज लगाएंगे। यहाँ पे अगर होता उस तरह की, तो हम दूरी आ जाती थोड़ी सी उसमें, तब हम किसका यूज करते, दूस का यूज करते। तो दूस, अब वो ही है हमारा काइंड। अब यहाँ पे काइंड में लगा देंगे एस, क्योंकि प्लूरल की बात हो रही है। दीज काइंड्स ऑफ बुक्स, दीज काइंड्स ऑफ बुक्स। अब यहाँ पे बुक्स बहुत सारी है, तो है के लिए क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो दीज काइंड्स ऑफ बुक्स आर कॉस्टली, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मुझे उस तरह की किताब पसंद नहीं है, मुझे उस तरह की किताब पसंद नहीं है, तो आई, भाई सबसे पहले मुझे पसंद नहीं है, आई डो, ये होता है डू नोट, लेकिन हम इंग्लिश में इसको शॉर्ट कर देते हैं, हम क्या बना देते हैं इसको, आई डोंट, है ना, आई डोंट। अब पसंद करने को क्या बोलते हैं, लाइक। आई नोट कहां पे आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, ठीक है। डू हमारी हेल्पिंग वर्ब है, किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। पसंद करना ये हमारी वर्ब होती है, मेन वर्ब। ये मैं जब आपको टेंस कराऊंगी, जब अच्छे से क्लियर कराऊंगी, तो आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, क्या पसंद नहीं है, उस तरह की किताब, उस तरह की। तो दैट, उस तरह के लिए आप क्या लगाओगे, दैट, क्योंकि हम थोड़ा दूरी पे आ रहे हैं, है ना, दैट। अब यहां पे हम किसका यूज करेंगे, काइंड का यूज करेंगे, या शॉर्ट का भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, दैट काइंड ऑफ बुक, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ बुक, उस तरह की किताब मुझे पसंद नहीं है। उस तरह का आदमी मेहनती होता है, इसमें हम शॉर्ट ऑफ का यूज कर लेते हैं, कि सारे में काइंड काइंड हो गया ना, तो उस तरह के, तो दैट, उस तरह के, थोड़ा दूर शो कर रहा है, तो दैट का यूज करेंगे, दैट शॉर्ट ऑफ। अब आदमी की बात हो रही, एक ही आदमी है, दैट शॉर्ट ऑफ मैन, दैट शॉर्ट ऑफ मैन। अब है, इज, मेहनती को क्या बोलते हैं, लेबोरियस बोल सकते हो, L A B O, laborious,
क्लियर। तो दैट शॉर्ट ऑफ मैन इज लेबोरियस। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इसी तरह की ट्रांसलेशन करने के लिए प्लस में आपको ग्रामर को अच्छे से सीखने के लिए प्लस भी स्पीकिंग भी हम आप ऐसे ही सीख सकते हो। इसी तरह के सेंटेंस आप लिखो, उनको बोलो तो आप स्पीकिंग भी कर सकते हो। और इसी तरह की वीडियोज पाने के लिए मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।